हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। अभी देख सकते हैं आप लोग, सुबह के बज रहे हैं 11:30 और अभी से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सर्दी हो रखी है। अभी भी कोहरा हो रहा है, दोपहर के 11:30 हो रहे हैं फिर भी। तो मैं ऊपर छत पर क्यों आई हूँ, मैं लेने के लिए आई हूँ यहाँ पर कुछ कपड़े, क्योंकि स्टोर रूम देखिए आप। तो जो है अभी इनका फ़ोन आया था कि ना कुछ ऐसे ख़राब वाले कपड़े दे देना, क्योंकि नए वाले घर में थोड़ा सा ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अब जो है साफ़ सफाई वाला काम चल रहा है। तो इसीलिए अब मैं घर से वाले कपड़े देखने के लिए आई ताकि मुझे मिल जाए, और साथ में मुझे स्पॉन्ज भी चाहिए। तो देखते हैं, चलो अभी तो पूरा मैसी पड़ा हुआ है। चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से ना। बस अभी मैं जो है दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि रात में जो है हम दाल भिगोने के लिए रखेंगे, क्योंकि हम बनाएंगे मंगोड़े। तो दाल अच्छे से भीग चुकी है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग, और मम्मी ने अच्छे से धो भी दिया इसको, और बस अभी इसको पीसने की बारी आ जाती है। सो यहाँ पर मैं इसको पीस रही थी इस भगोने में, और यहाँ पर खीर बनने के लिए रख दी है। तो खीर भी अच्छे से बॉईल हो रही है यहाँ पे। अभी बीच में जो है लाइट चली गई थी, तो खीर जो है हमारी अध पकी रह गई थी, तो बस अभी इसको पकाने की बारी आ गई। अच्छे से इसमें चावल जो है डाल दिए हैं, चावल अच्छे से अभी पके नहीं हैं, फिर इसको अच्छे से मैश कर देंगे तो खीर हमारी रेडी हो जाएगी। तो मंगोड़े, खीर और साथ में कुछ सब्जी बनाएंगे, और क्या बनाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पे चाय बन रही है, क्योंकि यहाँ पे चाय बन रही है क्योंकि ये अभी आए हैं वहाँ से। चाय बन चुकी थी उस टाइम पर जो है, ये चले गए थे वहाँ नए वाले घर पे, क्योंकि वहाँ पे कारीगर लगे हुए हैं कुछ काम करने के लिए, तो इसलिए जो इनकी चाय रह गई थी। तो अब ये बोल रहे हैं कि चाय फिर से बना दो मेरे लिए, तो यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी। तब तक मैं यहाँ पर जो है मंगोड़ों के लिए इसका तो मंगोड़ों के लिए जो मिक्सर है वो मैं रेडी कर लेती हूँ। इसका पेस्ट, इसको ज़्यादा ऐसा पतला बारीक वाला नहीं पीसना है, इसको थोड़ा ज़रा ज़रा सा पीसना है। इसमें थोड़ी थोड़ी सी दाल रहनी चाहिए, तो बस अभी थोड़ी थोड़ी सी दाल रख रहे हैं इसमें। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। चलिए गाइस, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से ना, फटाफट से मैंने पहले दाल पीस लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। तो यहाँ पर ये आ गए मुझे कुछ दिखाने के लिए, जो कि एक लड़की है जो कि इंस्टा पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है अभी इस टाइम पे, और उसने अपना मजहब चेंज कर लिया है। गाइस, पैसों के लिए इंसान क्या कुछ कर रहा है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है कि अगर तुम्हें करना ही है तो फिर खुल के करो उस चीज़ को। मजहब अगर चेंज कर ही रही हो तो फिर एकदम खुल के उसको करो, ऐसे नहीं कि बस अपना पहनावा चेंज कर लियो और तुम चेंज हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कर रहे हो तो फिर एकदम सही से ही हो जाओ, है ना। खैर, ये तो रहा उसका। ऐसे तो इंस्टा पे बहुत सी चीज़ें हमें देखने को सुनने को मिलती हैं। यहाँ पे बातों ही बातों में मैंने मिक्सर भी पूरा रेडी कर लिया मंगोड़ों के लिए, तो बस अभी इसको रखते हैं साइड में, और साथ में यहाँ पर बर्तन भी वॉश हो गए हैं। तो बस अभी फिर मंगोड़ों की तैयारी करते हैं ये सारे काम करने के बाद। तो चलिए आप लोग भी आ जाए मंगोड़े खाने के लिए। मम्मी यहाँ पर सेक रही है मंगोड़े, मंगोड़े गर्मा गर्म। किस किस को पसंद है, आ जाओ जल्दी जल्दी। टाइम पे बहुत जोर से आग लग गई थी। बहुत तेज थी वो, बहुत तेज। मैं जल्दी से इसको पहना
आग लग सकती तो बहुत बड़ा हो, मतलब तौलिया वौलिया भी सब यहीं पे ही थी, सिलेंडर यहीं पे ही है। तो वो तो खैर है, पानी और आग से तो डर रहता ही है। ऊपर से वही कपड़ा टूटी वाला कपड़ा लिया और जल्दी जल्दी रेगुलेटर बंद कर ले जाम में लग गई थी आग। रेगुलेटर तो जहाँ पे रवि थी हमने महीने रखा था। हाँ हाँ, तो हम कहाँ थे, स्कूल वगैरह? हाँ, वो सब भूल जाती है एकदम। नहीं, वाकई समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। तभी तो बताते नहीं, सिलेंडर में अगर आग लगे तो कपड़े से उसको बुझा देना चाहिए, कपड़े से ही बुझाना चाहिए। तो ऐसे हादसे होते हैं घर की गृहणियों के साथ। ऐसा किस किस के साथ हुआ है बताना। मेरी कढ़ाई थी, छोटी कढ़ाई, इधर जी लगता पेपर में नहीं लग रहा, पेपर हो रहा इधर से तो ही है। पहले गैस बंद करके फिर तुमने रेगुलेटर बंद किया होगा, है ना? ऐसा ही होता है। वो तो कहते नहीं कि जितनी सुविधाएं उतने ही नुकसान भी है इन चीजों के, केयरफुली सब काम करना चाहिए। ऐसा किसी और के साथ भी हो सकता है। पर मंगोड़े बन चुके हैं और मैं खा रही हूँ चटनी के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी लग रही है। और इनके भी रखे हुए सिंपल वाले हैं, मिर्च मैंने निकाल दी है, बिल्कुल सिर्फ इतनी सी मिर्च डाली थी मैंने इसके खाने में, बाकी सिर्फ नमक है। और मेरे में प्याज और अदरक, धनिया, हरी मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें तो हमने अपने हिसाब से बनाए हैं, बच्चे के लिए बच्चे के हिसाब से बनाए हैं। बहुत टेस्टी हैं, आ जाओ आप लोग भी। सर्दी भी बहुत है तो सर्दियों में मंगोड़े खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। गाइस, यहाँ पर मैं भून रही हूँ मटर। जी हाँ, हरी मटर वैसे तो जो है चूल्हे में भूनी जाती हैं, लेकिन हमारे पास अभी चूल्हा जलाया हुआ नहीं है, तो हमने सोचा कि हम तवे पर ही भून लेते हैं। तो यहाँ पर सारी मटर को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि ऐसे भून के खाने से ना दुगना मज़ा आता है, मटर जो है मीठी और ज़्यादा हो जाती है। मटर चाट इसमें डाल दिया, थोड़ा सा चाट मसाला, नमक और लाल मिर्च पाउडर, बस अभी रेडी है ये खाने के लिए। तो जी, हमने यहाँ पर मटर चाट खा ली है और साथ ही में यहाँ पर हमने चाय भी पी। तो बस अभी बर्तन को रख कर आते हैं और देखते हैं कि बाहर मम्मी क्या कर रही हैं। बर्तन साफ़ करने के लिए भी रखे हुए हैं। तो मम्मी डलवा रहे हैं यहाँ पे गाड़ी पे कवर, जो कि नहीं डला था, तो बस अभी डलवा दिया है क्योंकि गाड़ी धुल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, सलाम तो कर लो बेबी। नहीं करना, ओके। तो हो रहा है, इनको सलाम नहीं करना है, वो ऐसे ही ठीक है। तो चलो गाइस, मेरी हालत कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है जब मेरी बता दूँ इस रज़ाई के बारे में। जब से हम इस रज़ाई को लेकर आए ना, माशाल्लाह से इतनी अच्छी रज़ाई है ना, और इतनी गर्म रज़ाई है ना कि इसमें गर्मी लग जाती है हमें। बहुत अच्छी रज़ाई है ये देख सकते हैं, बहुत अच्छी लगी, मतलब पैसा वसूल है, फुल पैसा वसूल रज़ाई। कहाँ पर होगा चादर चल गया पूरा गद्दे में तो नहीं लगा, तो गद्दा सुलग गया वो पीछे से, नहीं लग तो नहीं रहा है। जी ऐसे हो गया, कल मम्मी तड़का लगा रही थी दाल में,
तो आग लगी बहुत तेज। अच्छा। बहुत ऊपर तक। और आज पापा ने वो जला दिया। सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे होगा? छोटी छोटी चीजों से भी जो है हादसा हो सकता है। कल बहुत तेज आग लगी और आज देखा तो पूरा बिस्तर जला रखा है। तो भाई अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, दुआ में ज़रूर याद रखें मुझे, मेरी फैमिली को। चलिए मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ, मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। I'm on the